अभी इंटरनेशनल खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी लगातार बरकरार है और भारत ने पाकिस्तान को आज एक बार फिर से दो टूक जवाब दिया है। भारत के एनएसए अजीत डोवल ने आतंकियों को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि पुलवामा का हमला न भूले हैं न भूलेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को चेतावनी दी। गुरुग्राम में सीआरपीएफ के कार्यक्रम में बोले, पुलवामा को न भूले हैं और न भूलेंगे। आज अजीत डोवल ने कहा, राष्ट्र का नेतृत्व सक्षम हाथों में है। डोवल ने कहा, चाहे आतंकवादी हो या उनकी सहायता करने वाले, हम सभी का मुकाबला करेंगे। डोवल ने कहा कि पुलवामा हमले में सीआरपीएफ जवानों ने अपने जान की आहुति दी। अजीत डोवल ने कहा कि हम में हौसला भी है और हमारा इरादा भी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल आज गुरुग्राम में सीआरपीएफ के स्थापना समारोह में मुख्य अतिथि थे। डोवल ने सीआरपीएफ का हौसला बढ़ाया और आतंकवाद के खिलाफ चेतावनी दी। डोवल ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को भी हिदायत दी। डोवल ने पुलवामा को भी नहीं भूलने की बात कही। मैं 40 उन बहादुर जवानों को जिन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया और पुलवामा के अंदर में एक बहुत ही दारुण घटना के अंदर में इतनी सारी जानों की अपमान इस बल और राष्ट्र इसको न भूला है। हमें क्या करना चाहिए, हमारा मार्ग क्या हो, हमारा ध्येय क्या हो, हमारी प्रक्रिया किस प्रकार की हो, उसका समय क्या हो, हमारा इसका निर्धारण इस देश के नेतृत्व इसका निर्धारण करने में वो सक्षम भी है और उसके हौसले, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो आतंकवादियों को सहायता करने वाले लोग, हम इसका मुकाबला करेंगे और हर मुसीबत का, हर चुनौती का, हर संकट का उसका मुकाबला करने का हमें हौसला भी है।